नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव नेटवर्क्स की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक डोमेन के ऊपर सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं और उस सब डोमेन के ऊपर आप अलग से एक वर्डप्रेस या फिर पीएचपी के थ्रू तैयार की हुई वेबसाइट को कैसे होस्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि हमारे सब डोमेन लेने का फ़ायदा क्या है। दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डोमेन परचेज किया था creativenetworks.in, तो मैंने इसके ऊपर हमारी जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है उसको होस्ट कर रखा है, जो कि हमारी HTML और CSS के अंदर बनी हुई है। मैं चाहता था कि मैं इसके ऊपर एक ब्लॉग क्रिएट करूँ और वो वर्डप्रेस के ऊपर हो, तो मैंने उसके ऊपर क्या है इसका ही एक सब डोमेन क्रिएट किया, blog.creativenetworks.in। तो इसके ऊपर मैंने एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को होस्ट कर दिया जो कि सेम ही डोमेन के ऊपर काम कर रही है। बस इसके अंदर क्या है, blog.creativenetworks.in है ये, तो इसका ही एक पार्ट है। तो इसी के ऊपर मैंने क्या है एक और वेबसाइट को होस्ट कर रखा है, online.creativenetworks.in, और इसके ऊपर मैंने एक कोर्स की वेबसाइट को रन किया हुआ है। तो इसका फ़ायदा, पहला फ़ायदा तो यही है कि आपको अलग अलग डोमेन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक डोमेन के ऊपर काम करेंगे तो इसका जो भी रैंकिंग वगैरह होगी वो सभी के ऊपर काम करेगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी भी एक वेबसाइट को मोनेटाइज कर लेते हैं, जैसे कि मेरा जो creativenetworks.in डोमेन है ये मोनेटाइज है। मैं नहीं चाहता था कि इसके ऊपर कोई भी ऐड आए क्योंकि ये हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। तो मैंने जो इसके ऊपर ब्लॉग सेक्शन क्रिएट किया हुआ था ये वर्डप्रेस के अंदर है, तो मैंने इसके अंदर जो हमारी मोनेटाइजेशन की एड्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एड्स बाय गूगल आ रहे हैं, तो मैंने इसके ऊपर अलग से मोनेटाइजेशन की एड्स वगैरह रन कर रखी हैं। तो इसका दूसरा फ़ायदा यही है कि आप एक वेबसाइट को मोनेटाइज करो और उसके ऊपर पार्ट क्रिएट करके उसके ऊपर आप ऐड रन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका कि अलग से आपको किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करके ऊपर उसके ऊपर गूगल के एडसेंस दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप एक सब डोमेन को क्रिएट कर सकते हैं। आपकी होस्टिंग या फिर डोमेन आपने गोडैडी से लिया हो सकता है या फिर किसी और होस्टिंग प्रोवाइडर से। मैंने अपनी जो होस्टिंग और डोमेन है वो होस्टिंगर से लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का भी अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है, जो कि मेरा जो SSL वगैरह है जो इस वेबसाइट पे मिल रहा है मेरे को वो मैंने क्लाउडफ्लेयर के थ्रू लगा रखा है। तो इसका फ़ायदा ये भी है कि आप फ्री में SSL वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आपने ये SSL वगैरह पहले से ही लगा के रखा होगा क्लाउडफ्लेयर के थ्रू। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने जाना है होस्टिंग के ऊपर और यहाँ पे आपको शो करेगा जो भी आपकी वेबसाइट होस्ट होंगी, यहाँ पे मैनेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डोमेन का नाम शो होगा, तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको डोमेन का सेक्शन दिखाई देगा। डोमेन के सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा सब डोमेन, सब डोमेन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सब डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपको एंटर सब डोमेन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे blog.creativenetworks.in लिखा हुआ है, तो बस आपने जो भी पहले नाम देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, बाद में आपके डोमेन का नाम तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे जो मेरा सब डोमेन क्रिएट होगा वो क्या होगा, extra.creativenetworks.in, और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए अलग से एक कस्टम फोल्डर क्रिएट हो, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे आप फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं इसका नाम भी सेम टू सेम ही दे देता हूँ। और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब डोमेन सक्सेसफुली क्रिएटेड आ चुका है, तो आपका सब डोमेन है जो वो क्रिएट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं extra.creativenetworks.in, आपको यहाँ पे सब डोमेन का लिंक आपको मिल गया है। अब आप इसको अगर आप कॉपी करके न्यू टैब के अंदर पेस्ट करेंगे और एंटर करते हैं, तो अभी ये आपका जो सब डोमेन है ये नहीं चलेगा, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी अगर आपने SSL वगैरह लगा रखा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है जो आपका मेन लिंक है वहाँ पे क्या है HTTP आ रहा है और वहाँ पे हमारा जो मेन डोमेन है वो S के ऊपर सिक्योर शेल के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ये डोमेन है वो सही से यहाँ पे अभी फेच नहीं हुआ, तो आपको भी यहाँ पे भी
क्या है कि HTTPS करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो सबडोमेन है वो रन हो पाएगा। तो उसको कैसे कर सकते हैं हम? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने आना है क्लाउडफ्लेयर के ऊपर, और यहाँ पे जो भी आपका डोमेन होंगे यहाँ पे शो करेगा। तो मेरा ये डोमेन है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपको ये वाला जो सेक्शन है आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है, ये और वेबसाइट के अंदर था। तो यहाँ पे आपने DNS के ऊपर क्लिक करना है। DNS के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है ऐड रिकॉर्ड के अंदर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे नेम पूछेगा। तो नेम के अंदर वही नेम डालना है जो आपने वहाँ पे फोल्डर का नेम दिया था, या फिर अपने ब्लॉग का, या फिर सबडोमेन का नेम दिया था। तो मैंने दिया था एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आईपी एड्रेस डालना है वर्जन 4 का। तो ये आईपी एड्रेस कौन सा होगा, जो आपकी मेन वेबसाइट का होता है ये वाला। तो आपने इसको कॉपी करना है यहाँ से और इसके अंदर पेस्ट कर देना है, और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपका जो सबडोमेन है वो आपका क्लाउडफ्लेयर के अंदर ऐड हो चुका है। अब इसके ऊपर आपका फ्री में SSL भी लग जाएगा, लेकिन अगर आप इसको दोबारा से रिफ्रेश करोगे तो इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपका क्लाउडफ्लेयर है उसको सेट होने में टाइम लगता है। ये आपका 15 से 20 मिनट भी हो सकता है, या फिर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, आपने वेट करना है। अगर ये सेट हो जाता है तो मैं आगे की वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है, तो 1 घंटे के बाद ये अपडेट आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो extra.creativenetworks.in है उसके ऊपर SSL भी लग चुका है, और यहाँ पे अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। तो आपको ये कम टाइम भी लग सकता है या थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, आपके सर्वर या फिर होस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा। तो अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अब अलग से हम इसके ऊपर एक वर्डप्रेस या फिर आप अपनी कस्टम वेबसाइट जो HTML PHP के अंदर बनी होगी उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है जो वो इसके ऊपर होस्ट करना चाहता हूं। तो आपने क्या करना है, यहां पे होस्टिंग के ऊपर जाना है दोबारा, तो यहां पे मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। तो मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ऑटो इंस्टॉलर का ऑप्शन मिलेगा वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल करने के लिए, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे वेबसाइट का नाम टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि मैं एक्स्ट्रा ही दे देता हूँ, और यहाँ पे आपने एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड रख देना है जो भी आप रखना चाहते हैं, और यहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन पाथ के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे चूज़ करना है आपने जो भी हमारा न्यू बना था extra.creativenetworks.in, और यहाँ पे आप क्रिएट न्यू वर्डप्रेस डाटाबेस, और यहाँ पे डाटाबेस का भी पासवर्ड क्रिएट कर देना है जो भी आप रखना चाहते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे इंस्टॉल होगा वर्डप्रेस, और ये ऑटोमेटिक आप चेक कर लेना, और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। तो जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट इसके ऊपर हमने इंस्टॉल की है वो हो चुकी है। तो आप इसको रिलोड करते हैं, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है एक इसके ऊपर इंस्टॉल हो चुकी है। तो आप इसके अंदर अपनी अलग से वर्डप्रेस की वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर मोनेटाइजेशन भी ऑन रहेगा अगर आपका मेन डोमेन है वो मोनेटाइज है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू गाइस, बाय।